नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन नेटवर्क की कॉन्क्लेव शहर बनारस। बनारस भले ही हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जब बनारस का जिक्र आ जाता है तो उसके मायने अध्यात्म और जब से मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो राजनीति दोनों से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में हम इस कॉन्क्लेव के सेकेंड एडिशन के साथ हैं, जहां पर शहर बनारस में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव की, शहर के मिजाज की, साथ ही उत्तर प्रदेश में कैसी हलचल है, कैसा विकास है, क्या वायदे हैं, कितना काम हुआ है। हमारी ये कॉन्क्लेव पहले होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से कुछ डिले हुआ इसमें, लेकिन कोरोना पर भी चर्चा होगी कि कैसा कामकाज रहा है और उसका कितना इफेक्ट जो है आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगा। तो इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहूँगी आप लोग अभिनंदन करें, हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ मैं कराती हूँ। वो एक ऐसे राजनेता हैं जब मौजूदा दौर में एक चुनाव जीतना भी किसी राजनेता के लिए पुनर्जन्म कहा जाता है राजनीति के लिहाज से, उसके राजनीतिक करियर के लिहाज से, तो वो एक बार नहीं, 31 साल की उम्र से जो सफर शुरू हुआ है उसमें 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो भी तमाम जातिगत समीकरण, तमाम लहर, एंटी इनकम्बेंसी, सबको धत्ता बताते हुए। सतीश महाना जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं। महाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि राजनीतिक के जो तमाम पंडित होते हैं कि भाई ये जात, ये पात, ये ऐसा फैक्टर, ये एंटी इनकम्बेंसी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं चलता है? मैं 3 मूल मंत्रों को लेकर काम करता हूँ। सबके इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू लॉयल टू योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसने भी आपको अपॉइंट किया उसके प्रति आपकी लॉयलिटी होनी चाहिए। और मुझे मेरी पार्टी जिस समय अपॉइंट करती है, मुझे टिकट देती है, मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है कि आपको जाके चुनाव लड़ना है, तो लॉयल्टी फर्स्ट टू द पार्टी। दूसरे नंबर पे मेरी लॉयल्टी मेरे वर्कर के प्रति रहती है, जो मुझे चुनाव लड़ाता है, जो एक ब्रिज का काम करता है मेरे बीच में, पार्टी के बीच में और जनता के बीच में। और तीसरे प्रति मेरी लॉयल्टी द पीपल, दोज़ हू हैव इलेक्टेड मी, जो मुझे वोट करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जीवन में विश्वास से बड़ी और कोई भी चीज़ नहीं होती। आदमी विभिन्न प्रकार के नुकसान को सह सकता है, लेकिन विश्वास जहाँ पर टूट जाता है वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरी जनता मेरे पे जो विश्वास व्यक्त करती है उसके प्रति पूरी लॉयल्टी के साथ लॉयल होकर मैं उनका काम करता हूँ, उनके प्रति कमिटेड रहता हूँ। ये कारण है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे लगातार जिताती है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जीता बाद में हूँ, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जीतता वही है जिसको जनता दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं जीतता नहीं हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 7 बार लगातार जिताया। तो जनता ने तो आपको जिताया और आपने विश्वास की बात की है, तो योगी सरकार ने, मोदी जी ने, पार्टी ने आप पर विश्वास भी जताया, आपको वो मंत्रालय दिया है जिससे अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा थी और आलोचनाओं का खतरा भी बहुत ज़्यादा था, औद्योगिक विकास मंत्रालय। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम शहर बनारस की जिक्र कर रहे हैं, काशी, मोदी जी का नाम जुड़ जाता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, आलोचनाओं के कटघरे में सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो काशी के लिए बतौर औद्योगिक विकास मंत्री आपने क्या कुछ किया जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? ये काशी अपने आप में एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे बड़ा शहर कहा गया। काशी को गलियों का शहर कहा जाता था। माननीय मोदी जी के उस क्षेत्र से निर्वाचित हो जाने के बाद काशी अब गलियों का नहीं, सड़कों का शहर कहा जाने लगा। काशी अध्यात्म के नाते से बाबा भोलेनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचने के लिए किस कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वो एक जो इमेजिनेशंस के बाहर हो सकती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको करके दिखाया। आज जो आज से 3 साल पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गए हूँ, जो आ गए हैं, उनको विश्वास नहीं होता हम उसी स्थान के ऊपर आ गए। शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ पूर्वांचल का बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर आवश्यक था, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ कि जैसे मैं दिल्ली से चले, दिल्ली का अपना कैपिटल होने के नाते से एडवांटेज है और फॉर्चुनेटली वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली NCR, जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है जी। और नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, या फिर हमारी यमुना हो गई, या ग्रेटर नोएडा हो गई, या फिर गौतम बुद्ध नगर की, ये तीनों अथॉरिटीज हो गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाते से मेरे पास उन विभागों की जिम्मेवारी है। एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नाते से मेरे पास एक्सप्रेस वे की भी जिम्मेवारी है। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। अब
पहले नहीं होता था, पहले भी जैसे मैं इस बात को कहता हूं। अखिलेश जी तो कहते हैं उनके एक्सप्रेस वे पर आप लोग गाड़ी दौड़ाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका उन्होंने बिना लैंड एक्विजिशन के टेंडर कर दिया था व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो उसके ऊपर 30% भी लैंड एक्विजिशन नहीं था। तो जब लैंड एक्विजिशन नहीं था तो 90% जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो तब तक आप टेंडर नहीं कर सकते, लेकिन उनको टेंडर करने की जल्दी थी, सड़क बनाने की जल्दी नहीं थी। एक बात, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ही लैंड एक्विजिशन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, अब वो तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी के आज भी गाड़ी वहाँ पर चलने के लिए चल रही है, लेकिन फाइनली क्योंकि कुछ बाई लेन्स बाकी रह गई, कुछ सर्विस लेन्स बाकी रह गई उस नाते से। दूसरी बात ये कहते हैं कि उनके द्वारा उनके जो फोटो हम खिंचा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करते थे इसका शिलान्यास वो करते थे, उन्हीं के पिताजी ने एक बार ये कहा था, सब टेलीविजन्स ने आपने भी बड़े प्रोमिनेंटली दिखाया था कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि तुम शिलान्यास तो करवा लेते हो उद्घाटन नहीं करवाते, ये उनके द्वारा कहा गया था। मैं याद दिला रहा हूँ, आपके फाइल में होगा। मैं अगर ये कहते हैं कि उन्होंने किया था शुरू, हमने उसको बनाया है, जी जी, तो मुझे लगता है कि उनको पूरे प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाने चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने शुरू किया था, हम बड़े नालायक थे, कुछ नहीं कर पाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करके दिखाया है। तो हमारे को उनको थैंक यू कहना चाहिए, आलोचना किस बात की होनी चाहिए, जो वो नहीं कर पाए वो हमने किया ना, हम राजनीतिक दृष्टि से उनके अधूरे काम आप पूरे कर रहे हैं। नहीं, उनके अधूरे काम उन्होंने शुरू ही नहीं किया था, हमने उसको शुरू किया। इशू ये है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात शुरू करी जाए तो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग दुराग्रह से काम करते थे, जनता के पैसे को अपना पैसा नहीं करते थे, कोई भी पिछली सरकार, ये सरकारें आने जाने एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी, अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में काम शुरू किया गया तो इन लोगों की ये मेंटालिटी होती थी कि भैया उन्होंने शुरू किया, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, चाहे उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया डूब ही क्यों ना जाए, जी जी, वो जनता का पैसा होता है। हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने कहा कि जो पब्लिक का पैसा है उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इन्होंने काम शुरू नहीं किया था, मैंने आपको बोला ना, अब हम कहें कि इन्होंने क्योंकि सोचा था इस काम को करेंगे और उसके ऊपर 30% लैंड एक्विजिशन हो गया था, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया था, हम उसको छोड़ देंगे, ये नहीं है। जन कल्याणकारी सरकारें जनता के पैसे को जनता का पूरी तरीके से उपयोग हो सके हम इसलिए काम करते हैं, इसलिए हमारे को इस बात का महत्व नहीं है कि कौन शुरू कर रहा है। बहुत सारे अगर सिर्फ इसी से शुरू करने से ही हो तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, मैं पहले भी 7 साल लगभग नगर विकास का राज्य मंत्री रहा, तो पूरे शहर के और पूरे देश का प्रोजेक्ट बनाकर मैं कमरे में रख दूँ और अगले 50 साल तक जो काम होता रहे वो कहूँ मैं करवाता रहूँ, ये तो अन्याय भी है और बेवकूफ़ी भी है। चलिए, तो जनता किस तरह से आपके कामकाज को देखेगी अगर मैं आपसे बतौर मंत्री पूछूं, क्योंकि औद्योगिक विकास मंत्रालय से उम्मीदें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि रोज़गार भी उससे जुड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि रोज़गार एक बड़ी चुनौती रही है योगी सरकार के लिए भी, तो ऐसे में इन्वेस्टर सबमिट हुआ, बहुत नाम हुआ, बहुत ज़्यादा आईबॉल्स खींची गई, कितना वो कन्वर्ट हुआ वाकई में उद्योग लाने में? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे पे विश्वास करके दिया, हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक डिसकनेक्ट सा था, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहता था। हमने पहला इन्वेस्टर समिट 21 और 22 फरवरी 2018 में किया, एक साल भी सरकार का पूरा नहीं हुआ था, मार्च में सरकार बनी थी लेकिन 2018 में किया था, उसमें 4,28,000 करोड़ के हमें MOU साइन किए थे। उसके पहले मैं रोड शोज के माध्यम से देश में कई शहरों में गया था जो इंडस्ट्री के नाते से फेमस थे, मैं अहमदाबाद गया, मैं सूरत गया, मुंबई गया, बेंगलुरु गया, हैदराबाद गया, अब तेलंगाना उसको कहें, तेलंगाना गया, दिल्ली में भी आए हम लोगों ने, इसी उसमें किया था रोड शो। तो वो हम लोगों ने रोड शो करके एक लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अब उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले आदमी आने से डरता था, मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ के इंडस्ट्रीज मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी ने मना किया कि वहाँ मत जाओ, तो मैंने कहा आपकी पत्नी भी बिजनेस देखती है क्या? उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मुझे देखती है कि मैं सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ। तो उनकी पत्नी जो उन्हें देखती कि सेफ़ हैं कि नहीं है, तो उसके बाद जब एक साल के बाद जब हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत वहाँ गए तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने कहा आप उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है, भले विपक्ष कितना भी कहे कि अपराध बढ़ रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। उनको अगर जो विपक्ष जो कह रहा है उनको उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ है और किसी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को होनी चाहिए, जिनको वो टिकट देकर विधानसभा के चुनाव लड़वाते थे और विधानसभा में जितवाने का काम करते थे,
आज सौभाग्य से उनके अपराध के द्वारा कमाए गई अकूत संपत्ति को पूर्ण तरीके से नष्ट करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, और वो जेल में तो उनको तकलीफ होना, दर्द होना स्वाभाविक है कि भी इस प्रकार के जो अपराधी है जिनको वो संरक्षण देते थे, जिनके आधार के ऊपर राजनीति करते थे, जब उनके लिए वो स्थान नहीं है तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि 22 में बाइसाइकिल है, नहीं तो उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ अभी हमने इस बात के लिए असेसमेंट किया कि पिछली बार हमारे को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगी, तो 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने का मतलब है पिछली बार 325 सीटें मिली तो उससे ज्यादा हम कुछ लेंगे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दिन कहा था कि उनको 400 सीटें मिलेगी, 3 सीट किसके लिए छोड़ेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जिस आधार के ऊपर जीते हैं, जो हमारे पास प्रमाण है, उस सीट के ऊपर हमने कहा था हमारे को 2/3 से ज्यादा मिलेगी।